इस मिशन को मिटाने का काम मायावती ने किया और किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ा काम किया उसने मिटाने का इस मिशन को। इस मिशन को सारे में खत्म कर दिया उस हमारी बहन जी ने। हम टाइम पे शादी कर देते तो ठीक होता, अपना परिवार ही चला लेती। तो ये लोग मिलने के भी पैसे लेते हैं, जब इन करोगे तो 50,000 रुपए लगेंगे, जब तो ये आपसे मिलते हैं। और हमारे जो लोग बैठे हैं, हमारे जो लोग बैठे हैं विधानसभाओं में, संसद में, मैं एक बात कहता हूं हमेशा, कुत्ता कितनी भी खतरनाक नस्ल का पाल लो, मालिक के आते पूछ हिलानी, उसने कुछ नहीं करना। जितने लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, सारे के सारे वही लोग हैं, काते हैं कुत्ते, इनका मालिक कहता भोगते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं। ये लोग समाज का काम नहीं कर सकते, अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते हैं उन अपने हकों के सामने, तो अपने समाज की बात कहां से करेंगे। तो साथियों, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और मैं कहूंगा कि आज हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ के गए थे। लेकिन अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर भी होते तो वो भी आपकी तरह परेशान होते, क्योंकि समाज जब जब एकत्रित हुआ है इसको हमेशा धोखा मिला है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार में रही, चार चार बार गांधी जी नाम नहीं ले रहे थे, मैं नाम लेता हूं, इस मिशन को मिटाने का काम मायावती ने किया और किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ा काम किया उसने मिटाने का इस मिशन को। इस मिशन को सारे में खत्म कर दिया उस हमारी बहन जी ने। हम टाइम पे शादी कर देते तो ठीक होता, अपना परिवार ही चला लेती और चीजें बर्बाद ना करती। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। हम लोग ये जो औपचारिकताएं निभाते हैं ना कि हमने फलाने का नाम नहीं लेना, टिकड़े का नाम नहीं लेना, आप लोगों को बचने की जरूरत है ऐसे लोगों से। और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करना पड़ेगा आपको समाज के बीच में, क्योंकि ये लोग अब जब जाते हो तो ये लोग मिलने के भी पैसे लेते हैं, जब इन करोगे तो 50,000 रुपए लगेंगे, जब तो ये आपसे मिलते हैं। और दिल्ली में इलेक्शन होता है तो केजरीवाल राखी पहुंचा देता है, पंजाब में होता है तो बादल राखी पहुंचा देता है, हरियाणा में होता है प्रकाश चौटाला राखी भेज देता है, राखी भी कई कई 100 करोड़ की होती है। तो बचने की जरूरत है आप लोगों को। और देश के सारे नेताओं से मैं अपील करता हूं, जो अम्बेडकरवादी जो सोचते हैं कि हमने बाबा साहब के लिए कुछ करना है, सारे दिल्ली में आ जाओ, 2025 में चुनाव है, इस नकली झाड़ू वाले को उतार के फेंकने का काम करें, पूरे देश में अपने आप मैसेज चला जाएगा। क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या में लोग हैं, सबसे ज्यादा मजबूत समाज है, और दिल्ली में संसाधन भी बहुत है। आपको ना चंदे की जरूरत है, ना आपको गाड़ी घोड़े की जरूरत है, सारी चीजें यहां बसे भी हैं, मेट्रो भी है, सब कुछ है, आप आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हो। मुझे भाषण नहीं देना था, मैं नॉर्मल सी बातें करता हूँ। आज जो हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के मुंह में जबान आई है, ये बाम सेफ की देन है। जो लोग काम कर रहे हैं, जल्ली साहब जैसे लोग और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वीएल मातंग साहब है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम हो रहा देश में। आज ये मत सोचना कि यहां पर संख्या कम है, पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हम लोग 26 अलीपुर रोड थे, वहां पर भी लोग सुबह से ही आना जाना चालू है, और एक वहां पर कार्यक्रम और था, वहां भी काफी संख्या में लोग थे। अभी मैं गांधी साहब को सुन रहा था, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहां पर बैठे हैं। आज समझदार लोगों की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, इस देश में काम करने के लिए। आज पागल लोगों की जरूरत है, भगत सिंह जैसे, उद्धव सिंह जैसे लोगों की जरूरत है इस देश में काम करने के लिए। इन समझदारों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस समाज का। 10 को कोई बका के ले जाता है, 20 को कोई बका के ले जाता है, 50 को कोई बका के ले जाता है, और कहते हैं समाज संगठित नहीं होता। समाज तो संगठित है, इस समाज का अगर बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो ये हमारे जैसे छुटभैया नेताओं ने किया, जो लोग समाज को बेवकूफ बना करके चंदे की बात करते हैं। लोगों ने चंदा दे दे के भी भर दिया इन लोगों को, इतना चंदा दिया समाज के लोगों ने कि मान्यवर साहब काशीराम को हेलीकॉप्टर जन्मदिन पे गिफ्ट किया था। सारे लोगों की नजर आपकी जेब पे है कि 10 रुपए भी निकाल ले इनकी जेब से, लेकिन अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना इन लोगों ने। तो आज जो ये आयोजन हुआ है, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता किसका बनाया हुआ कार्यक्रम है, ये एक साझा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि अन्य तमाम पार्टियों के लोग यहां पर हैं, तमाम संगठनों के लोग यहां पर हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सारे देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरे देश में काम करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का जो नॉमिनेटेड सिलेक्टेड सीएम है,
क्योंकि ये नॉमिनेटेड ही है, इलेक्टेड नहीं है, ईवीएम के माध्यम से आया हुआ आदमी है। कभी पंजाब दे देते हैं, हो सकता है कल को गुजरात भी दे दें, क्योंकि इन लोगों को तीसरी ताकत उभरती हुई दिख रही थी, दलितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की। तो इन्होंने एक और सांप का श्रीराम कहते थे ना, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, और इनका पैदा किया हुआ सपोलिया केजरीवाल है जो आज पूरे देश में पैर फैला रहा है। ऐसे सपोलियों को रोकने की जरूरत है। तो आप लोग जो एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मुझे लगता है मेरा रामलीला मैदान की बजाय ये कार्यक्रम अपनी बस्तियों में छोटे छोटे रूप में करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल लगा है, 10-15 लाख रुपए तो इसका गारंटी होगा, और 10-15 लाख में तो हम 10-15 बस्तियों में बहुत अच्छे कार्यक्रम कर देते और बहुत सारे लोगों को समझा भी देते। तो मेरा सजेशन है, आप लोगों की समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप लोग काम ही कर ही रहे। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन हमें खून खोलना चाहिए हम लोगों का, कि आज हमारे रहबर इस दुनिया को छोड़ गए थे, और आज हर वो दबा कुचला, वो पिछड़ा, दलित सब आज असहाय महसूस कर रहे हैं। तो इस देश में अगर आपने राज स्थापित करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो सुख और सुविधाएं हैं वो छोड़ करके माननीय काशीराम जी की तरह, तेजेंद्र झल्ली साहब की तरह, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, दीनावाना वाल्मीकि की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास बन गए, और हो सकता है आने वाले समय में लोगों को पता भी ना चले कि आंदोलन किन लोगों ने शुरू किया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब इस तरह के कार्यक्रम हो, जो लोग अंबेडकरवाद के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने बाबा साहब के बाद ये काम चलाया, उन लोगों की फोटो जरूर एक साइड में हमें लगानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो योद्धा है, जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है, वो कौन कौन लोग है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है, बहुत सारे लोग मेरे से पहले आप बोल के भी गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बात कहने का समय है, आप लोगों को सारी बातें समझा ही चुके, मेरे से सारे सीनियर लोग बैठे यहाँ पर, सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। आज आप लोग संकल्प लेके जाओ कि कम से कम हम लोग अपनी फैमिली के अलावा अपने एक रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में एक एक आदमी को जरूर समझाएंगे। और एक मान्यवर मान सिंह मलेटा जी थे पंजाब के, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना, आपका जो रिश्तेदार होता है वो साला होता है, वो बहुत जल्दी आपकी बात मानता है, आप अपने साले को समझाओ, वो फिर अपने साले को समझाए, वो फिर अपने साले को समझाए, और जब सारे साले समझ जाएंगे फिर कोई साला नहीं बचेगा, अपना राज आ जाएगा। तो जय भीम, जय भारत सर।